आज जो है हम इंस्टाग्राम का क्लोन बनाने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको डेमो बता देता हूँ कि हमने क्या बनाया है, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज बिल्कुल रियल जैसा लग रहा है, लेकिन ये लोकल होस्ट पे चल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो हमने बनाया वो है, ठीक है। यहाँ पर राइट साइड में आप इसका फॉर्म देख सकते हैं, साइन इन पेज, और यहाँ पर मोबाइल का लोगो देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलो, आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ से साइनअप पे क्लिक करके या से साइनअप कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से साइन इन कर लूँगा इस क्रेडेंशियल का यूज़ करके। तो जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं मैं सक्सेसफुली साइन इन हो चुका हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर यूज़र नेम, एडिट प्रोफाइल बटन एंड 8 पोस्ट, 4 फॉलोअर्स, 7 फॉलोइंग्स देख सकते हैं। यहाँ पर नेम और यहाँ पर मेरा बायो है, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पर कुछ पोस्ट मेरे देख सकते हैं जिस पे मैं होवर करता हूँ, तो एकदम रियल इंस्टाग्राम में जो होवर इफेक्ट है, ठीक है, वो आ रहा है। देखिए यहाँ पर 0 लाइक एंड 0 कमेंट दिखा रहा है। और इसके साथ में यहाँ पर अगर सेव्ड सेव्ड पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मैंने जो भी पोस्ट सेव्ड की है वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो देख सकते हैं फर्स्ट पोस्ट में 1 लाइक एंड 1 कमेंट है, इसके साथ इसमें 1 लाइक एंड 0 कमेंट है, और यहाँ पर 1 लाइक एंड 3 कमेंट देख सकते हैं आप, और इसमें 0 लाइक एंड 0 कमेंट है, ठीक है। तो चलो जल्दी से मैं आपको होम पेज भी दिखा देता हूँ सबसे पहले, इसके बाद सारी फंक्शनालिटीज़ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैं होम पेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी स्टोरीज आ चुकी है, ओके, और यहाँ पर सारे पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लाइक कमेंट और सेव्ड ये सब। और राइट साइड में आप गाइज सजेशन देख सकते हैं, यहाँ पर जो गाइज सजेशन आ रहा है ना वो भी डायनामिक है, ये भी स्टैटिक नहीं है। ये सजेशन कौन सा है कि जो यूज़र आपको फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर वो सजेशन में दिखाई देगा, ओके। और इसी के साथ यहाँ पर स्टोरीज भी रियल है, ये भी स्टैटिक नहीं है। जैसे मैं आदित्य पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, देखिए जैसे ही मैं आदित्य पे क्लिक करूँगा तो उसकी स्टोरीज मुझे यहाँ पर दिखने स्टार्ट हो जाएंगी, ओके, ये आदित्य की स्टोरीज है। तो गाइस ये स्टोरीज भी रियल है, राइट। तो चलिए जल्दी से मैं आपको, राइट, ये क्या हो गया, ओके। सो जल्दी से मैं आपको प्रोफाइल पेज में जाके कुछ एडिट फंक्शनालिटीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एडिट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ से मैं नेम चेंज कर लूँगा, अभी के लिए नेम केवल राम था तो मैं सीताराम कर दूँगा, और इसी के साथ यूज़र नेम में सीताराम ही रहने दूंगा, और जो बायो है उसको भी चलो चेंज कर लेते हैं। ऑफिशियल अकाउंट करके आपने बायो देखा था, तो अब हमारा जो बायो होगा वो ये बिलीव इन माई सेल्फ वाला, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल वी, ओके। तो इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर, इसके साथ साथ गाइज आप सभी ऐसे ही सभी फील्ड को, हाँ ठीक है, वो कर सकते हैं, मीन्स चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं फील्ड को अपडेट कर सकते, सबको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं केवल इसी को कर रहा हूँ। और चलो मोबाइल नंबर को भी चेंज कर देता हूँ, इसमें केवल 8888 4 और 3 एंड 7 एंड 1 2 3, चलो 8888 डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं अकाउंट अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इसके बाद जैसे ही मैं प्रोफाइल पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं राम की जगह सीताराम आ चुका है और मेरा बायो भी चेंज हो चुका है। और अगर मैं फिर से एडिट प्रोफाइल पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर चेंज हो चुका है, पहले जो था इससे अलग है, राइट। और इसी के साथ गाइज और मैं क्या करूँगा कि ओके, ये तो हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो फॉलोइंग है, ठीक है, फॉलोइंग और फॉलोअर्स ये भी डायनामिक है, तो इसको भी एक बार मैं दिखा देखो तो दिखा देता हूँ, एक नया अकाउंट में क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर नेम कुछ दे देता हूँ, क्या नेम दूंगा, नेम दूंगा मैं, क्या नेम दूंगा, जोस, जोस दे देता हूँ, ठीक है, या फिर जो दे देता हूँ, जो जो एट द रेट gmail.com, ओके, जो, और इसका नाम जॉन डो रहेगा, जॉन डो,
जॉन डो, चलो ऐसे रहने देते हैं, फुल नेम मैं कर दूंगा जो जॉय ट्रिबियानी कर देता हूँ, ट्रिबियानी, जॉय ट्रिबियानी, ठीक है, इसका हो गया फुल नेम। ऑल राइट, और इसी के साथ मैं यहाँ पर पासवर्ड दे दूंगा, और जैसे और इसके बाद मैं साइनअप पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कह रहा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ आई कैन लॉग इन इट। तो जो जो दिया था हमने जो एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, एंड यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ 8, और इसी के साथ मैं इसको कर लूँगा साइन इन। तो आप देख सकते हैं जॉन डो यहाँ पर आ चुका है, जो है ट्रिबियानी। और इसी के साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसकी प्रोफाइल है वो थोड़ी सी ऐड कर दूँगा, ठीक है, इसमें बायो नहीं है, तो चलो इसमें बायो ऐड करते हैं सबसे पहले। तो जिम ऑडिट इसको मैं कॉपी करके और यहाँ पर जाऊँगा, बायो में डाल दूँगा और जेंडर में मेल लिख दूँगा, ओके, और प्रोफाइल भी चेंज कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अपलोड फ़ोटोज़ में जाके और यहाँ पर मैं इसकी इमेज रखूँगा जो कि ये फल रख देता हूँ, ठीक है, और इसको ओपन करूँगा और थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि इट विल टेक सम टाइम टू अपडेट। ओके, आप देख सकते हैं अपडेट हो चुका है। अब मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा, अकाउंट अपडेटेड सक्सेसफुली एंड नाउ आई कैन सी, देखिए गाइस यहाँ पर इसका बायो आ चुका है, जॉय ट्रिबियानी नेम तो था ही, और इसी के साथ इसकी इमेज भी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो इस अकाउंट को अब मैं ये इस अकाउंट से फॉलो करूँगा, ठीक है। तो अभी मेरी फॉलोइंग कितनी है, 7 है। तो जैसे ही मैं जो को फॉलो करूँगा, मेरी अकाउंट जो मेरी फॉलोइंग है वो कितनी हो जानी चाहिए, हो ये क्या हो गया, ओके, तो जो जॉन डो इस पर क्लिक करता हूँ, इसकी प्रोफाइल हम यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, इसकी जो हमने चेंज किया था बायो और इमेज वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको फॉलो करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर अनफॉलो बटन आ चुका है, और जैसे ही मैं अपनी प्रोफाइल में देखूँगा तो गाइस देखिए यहाँ पर 8 फॉलोइंग आ चुकी है, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं इसकी प्रोफाइल देखता हूँ तो आप देख सकते हैं 1 फॉलोअर आ चुका है, बढ़िया गाइस। तो ये भी बिल्कुल काम कर रहा है। इसी के साथ हम जाएंगे होम पेज में, और होम पेज में अब नया पोस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, चलो एक पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, चलो, और यहाँ से मैं सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर कर लूँगा, और इसी के साथ मैं इस इमेज को ओपन करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा नाइस फ्लावर, और यहाँ पर मैं दे दूँगा मुंबई, राइट। और जैसे मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट हो चुकी है क्रिएट सक्सेसफुली, यहाँ पर 0 सेकंड दिखा रहा है, और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे 9 सेकंड एगो दिखाएगा, ठीक है। ऑल राइट गाइज, तो अब मैं क्या करूँगा, जाऊँगा ये जॉन डो के प्रोफाइल पे, यहाँ पर सर्च करूँगा सीताराम और इसको मैं करूँगा फॉलो, ठीक है, और सीताराम की सारी पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, जितनी भी पोस्ट हमने क्रिएट की थी, ठीक है। अब इसको मैं करूँगा फॉलो, तो ये फॉलो हो चुका। अब मैं जाऊँगा इसकी प्रोफाइल पे, ऑलराइट, और यहाँ से मैं जाऊँगा होम पेज पे। तो गाइज आप देख सकते हैं सीता की सारी पोस्ट यहाँ पर दिख रही है, और इसी के साथ मैं इसको कर दूंगा लाइक, और उसी के साथ मैं इस पर करूँगा कमेंट, तो यहाँ पर लिख दूंगा वाव और नाइस पोस्ट, ठीक है, 2 कमेंट करता हूँ, इसमें से 1 कमेंट को मैं लाइक कर लेता हूँ। तो आप एक यहाँ पर देख सकते हैं 1 लाइक आ चुका है, ये 7 सेकंड्स अगो क्रिएट की गई है, और ये 3 सेकंड्स अगो क्रिएट की गई है, और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं गाइज इसकी सेकंड चेंज भी हो रही है, ठीक है। ऑलराइट गाइज, तो अब इसको करते हैं क्लोज और चलते हैं हमारी प्रीवियस पोस्ट प्रीवियस प्रोफाइल पे, और करते हैं इसको रिफ्रेश एक बार, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 1 लाइक एंड 2 कमेंट है, जैसे मैं व्यू ऑल टू कमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 कमेंट्स आ चुके हैं, इसमें इस पर 1 लाइक है और इसमें 0 लाइक है।
जो कि हमने पिछला किया था। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं 2 लाइक हो चुकी है, ओके। और ये जो कमेंट है वो 49 सेकेंड्स एगो क्रिएट किए गए। बढ़िया गाइस, ऑसम। अब और क्या चाहिए गाइस? इसे देखिए, मैं अगर लाइक करता हूँ तो आप देख सकते हैं लाइक भी अपडेट हो चुकी है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लाइक भी अपडेट हो चुकी है, ओके। और इसी के साथ ये हॉर्स लवर में मैं कुछ कमेंट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नाइस हॉर्स और ग्रेट, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कमेंट आ चुकी है, राइट। और क्या गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये जो पोस्ट है हमारी पोस्ट में सेव्ड, पोस्ट में सेव्ड है, इसलिए यहाँ पर ये ऐसा आइकन आ रहा है, ठीक है। अब ये पोस्ट सेव नहीं है, अभी मैं आपको हमारी सेव्ड पोस्ट दिखा देता हूँ, राइट। तो जैसे ही मैं सेव्ड पे किस क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो पोस्ट नहीं है, इसको मैं सेव्ड करूँगा होम पेज में जाके, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ये पोस्ट सेव नहीं थी, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये पोस्ट हमारी सेव्ड हो चुकी होगी। और यहाँ पर देखते हैं अब सेव पोस्ट में, तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पर सेव्ड पोस्ट आ चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है। तो ऑलराइट गाइज, और इसी के साथ अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारी पोस्ट तो आ ही चुकी है, और या अब और कौन सी फंक्शनैलिटी बाकी है। अब इसी के साथ गाइज इसको अनसेव्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल सेव ही कर सकते। देखो यहाँ पर ये पोस्ट थे, सेव थी, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया ये अनसेव्ड हो चुकी होगी। इसको भी निकाल देता हूँ यहाँ से क्लिक करके, और जैसे मैं अपने प्रोफाइल पे जाऊँगा, ओके, इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया। और जैसे मैं सेव पोस्ट में देखूँगा तो वो दोनों पोस्ट रिमूव हो चुकी है, यहाँ पर केवल मेरे पास अब 4 पोस्ट रह चुकी है, ठीक है। ओके गाइस, तो देख सकते हैं आप बढ़िया सा बनाया है हमने। और वन मोर थिंग गाइज रह गई कि ये जो स्टोरेज थी, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर रिया पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो रिया की स्टोरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। और या जो स्टोरी ऑटोमेटिकली चेंज भी होती रहेगी। और इसी के साथ आप गाइज सबकी स्टोरी देख सकते हैं, ऐसा नहीं केवल रिया की देख सकते। जैसे मैं यहाँ पर आदित्य की स्टोरी पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो आप आदित्य की सारी स्टोरीज यहाँ पर देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर इसकी फर्स्ट स्टोरी, सेकंड एंड ये थर्ड इमेज, और इसके बाद फोर्थ, और जैसे ही ख़त्म होगी तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये स्टोरीज भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, सब कुछ इसमें जो भी है सब कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे गाइस। तो चले बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। बिफोर स्टार्टिंग चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं, कौन कौन से टेक्स्ट टैग यूज़ करने वाले हैं, और आप कौन कौन से टेक्स्ट टैग इसमें सीख सकते हैं, ठीक है, या ये कहूँ कि सीखेंगे अगर इस प्रोजेक्ट को आप बनाएंगे तो। तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो इसमें तो रिएक्ट यूज़ करेंगे, और इसी के साथ रिडक्स यूज़ करेंगे, और रिडक्स के साथ हम रिडक्स थंक मिडलवेयर का भी यूज़ करेंगे, थंक मिडलवेयर का यूज़ करेंगे, ऑलराइट, फॉर स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी के लिए, स्टेट को मैनेज करने के लिए हम रिडक्स का यूज़ करने वाले हैं, और फॉर्म वैलिडेशन के लिए हम फॉर्मिक का यूज़ करेंगे, और CSS के लिए हम टेलविन CSS का यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम चक्रा UI का यूज़ करेंगे, ओके, कंपोनेंट्स के लिए, और इसी के साथ आइकन के लिए हम रिएक्ट आइकन का यूज़ करेंगे, ओके। ये तो हो गया फ्रंट एंड के लिए। और अगर मैं बैक एंड की बात करूँ तो बैक एंड में हम जावा स्प्रिंग बूट का यूज़ करेंगे, स्प्रिंग बूट की मदद से सारी APIs बनाएंगे, और फिर इसको रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा इंस्टाग्राम क्लोन से, इंस्टाग्राम क्लोन के नेम से, ठीक है। अब इसको हम VS कोड के साथ ओपन कर लेंगे, ओपन विथ VS कोड, और ये VS कोड के साथ ओपन हो चुका है। अब टर्मिनल में हम कमांड रन कर देंगे, npx create react app, npx create react app, ओके। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं पैकेजेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा गाइस पैकेज इंस्टॉल करने में, क्योंकि बहुत सारे पैकेजेस होते हैं।
चलो तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं, और ये पैकेज जब तक इंस्टॉल होता है मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि हम फ्रंट एंड में क्या क्या डिज़ाइन करने वाला है, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट बनाएंगे, कौन कौन से पेजेस बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें साइड बार बनाना पड़ेगा, तो साइड बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है ये साइड बार हम बनाएंगे सबसे पहले, और इसके बाद प्रोफाइल पेज। तो यहाँ जैसे मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो आप पेज देख सकते हैं, प्रोफाइल पेज, ये वाला प्रोफाइल पेज हम क्रिएट करेंगे। और इसके बाद है प्रोफाइल पेज में यूज़र डिटेल, मीन्स ये वाला कंपोनेंट ऊपर का जो ये वाला आपको दिख रहा है जहाँ पर यूज़र की सारी डिटेल्स रखी हुई है, और हर एक यूज़र पोस्ट पार्ट जो कि यहाँ पर सारा यूज़र का पोस्ट दिखाएगा, ये बनाएंगे। और इसके बाद हर एक यूज़र पोस्ट मीन्स ये कार्ड को बनाना पड़ेगा, और इसके बाद हम जाएंगे होम पेज में। होम पेज में स्टोरी सर्कल, पोस्ट कार्ड, कमेंट मॉडल, होम राइट और क्रिएट पोस्ट मॉडल। तो ये हमारा होम पेज है, यहाँ पर ये पोस्ट कार्ड है, फिर ये जो हमारा मॉडल ओपन हो रहा है वो कमेंट मॉडल ओपन हो रहा है, इसको भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद स्टोरी, तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप स्टोरी देख सकते हैं, तो इसको हम लास्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो चुका हमारा प्लान कि कैसे हम सब इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। तो या गाइस देख सकते हैं आप, हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुकी है कम्प्लीटली। तो जैसे मैं npm स्टार्ट करता हूँ तो ये स्टार्ट हो जाएगी हमारी रिएक्ट ऐप, इसको यस कर देते हैं। तो या ये पोर्ट 3001 पे स्टार्ट हो चुकी है, इसको कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पर नेबल की इस वाले विंडो में ओपन करेंगे, या यहाँ पर रन करेंगे इसको। तो ओके, अब इसके बाद हम कुछ और पैकेजेस है जो कि हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा वो कर लेते हैं। सबसे पहले है फॉर्मिक या रिएक्ट आइकॉन्स, रिएक्ट रिडक्स, रिडक्स थंक, रिडक्स एंड रिएक्ट आउटर डॉम। ओके, ये सारे हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे। तो npm i करेंगे, और इसके सबसे पहले कौन सा है, फॉर्मिक है। फॉर्मिक फॉर्मिक गाइस हम एक लाइब्रेरी है, ठीक है, फॉर्म सबमिट करने के लिए जो फॉर्म को बेसिकली हैंडल करती है वो। तो फॉर्म के लिए हम फॉर्मिक को इंस्टॉल करेंगे। फिर दूसरा यप, सो यप जो है हमें वैलिडेशन में हेल्प करेगा। वैलिडेशन मीन्स कौन सा इनपुट, कितने कितने मैक्सिमम कैरेक्टर होने चाहिए, कितने मिनिमम कैरेक्टर होने चाहिए, और कौन सा इनपुट एम्प्टी नहीं होना चाहिए जब हम फॉर्म सबमिट करें तब। ये सारे वैलिडेशन हम यप के थ्रू करेंगे। और इसके बाद है रिएक्ट आइकन्स, रिएक्ट आइकन्स। तो रिएक्ट आइकन्स हम आइकन यूज़ करने के लिए रिएक्ट आइकन्स लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। इसके बाद रिडक्स, रिडक्स तो आप सबको पता ही होगा रिडक्स क्या चीज़ है, ठीक है। हाँ, रिडक्स थंक, थंक मिडलवेयर का यूज़ करें हम करेंगे हम रिडक्स के साथ, और रिएक्ट रिडक्स। और कौन सी लाइब्रेरी है, इसके बाद है रिएक्ट राउटर डोम। तो राउटिंग के लिए रिएक्ट राउटर डोम का यूज़ करेंगे, रिएक्ट राउटर डोम। ओके, सो सभी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेते हैं। और भी दो लाइब्रेरीज बची है, टेलविन CSS और चक्रा UI, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो हम टेलविन CSS को सेटअप करते हैं, टेलविन CSS। तो ये टेलविन CSS की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर गेट स्टार्ट पे क्लिक करके आप फ्रेमवर्क गाइड में जाके यहाँ पर रिएक्ट ऐप में जाकर यहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगा। सबसे पहले तो npm इंस्टॉल टेलविन CSS करना है, इस कमांड को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर इंस्टॉल कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद npx टेलविन CSS इनिट करूँगा, Ctrl D, और इसके बाद इसको हम रिप्लेस कर देंगे कॉन्फ़िग के साथ। तो यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िग देख सकते हैं, Ctrl P। और इसके बाद ये कुछ CSS है जो कि हमें लिखने पड़ेगी इंडेक्स डॉट CSS में।
तो यहाँ पर हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस है, कंट्रोल वी। अब एक बार इसको बंद करके फिर से स्टार्ट करेंगे, एन पी एम स्टार्ट, ठीक है, यस कर देते हैं, या अब यहाँ पर ओके। तो टेलमिन सी एस एस तो हमारा सेटअप हो चुका है, इसके बाद हम रिएक्ट राउटर को सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इंडेक्स में इंडेक्स डॉट जेएस में जाना पड़ेगा, पूरी ऐप को ब्राउज़र राउटर से रैप करना पड़ेगा। तो ब्राउज़र राउटर, अच्छा ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, ओके। सो सबसे पहले हमें एन पी एम आई रिएक्ट राउटर डोम इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिएक्ट राउटर डोम को, कुछ टाइम लेगा ये भी, ओके इंस्टॉल हो चुका है। अब ब्राउज़र राउटर का आप देख सकते हैं सजेशन आ चुका है ब्राउज़र राउटर, और इस ऐप को हम रैप कर देंगे ब्राउज़र राउटर से। सो सारे राउटर यहाँ पर आ जाएंगे, ओके। और इसके बाद एन पी एम आई रिएक्ट आइकन्स को भी इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो अब कुछ फोल्डर्स में यहाँ पर बना लूँगा, सबसे पहले बनाऊंगा मैं कंपोनेंट का, कंपोनेंट्स यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स रखेंगे, और दूसरा बना लूँगा मैं पेजेस का, पेजेस यहाँ पर सारे, ओके फोल्डर बनाना था मुझे, सॉरी पेजेस, इसमें सारे पेजेस रहेंगे। तो पेजेस में सबसे पहले तो रहेगा राउटर, ओके, और एक्सटेंडली सॉरी मुझे इसको बनाना था फाइल राउटर, ओके हाँ चलिए इसको ना पहला मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट, और यहाँ पर मैं फोल्डर बनाऊँगा राउटर, और इसमें बनाऊँगा राउटर डॉट जे एक्स एक्स आर एफ सी, ये हो चुका है हमारा राउटर। अभी यहाँ पर मैं बना लूँगा एक साइड बार, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा साइड बार डॉट जे एस एक्स, और दूसरा बनाऊंगा साइड बार डॉट सी एस एस, ओके आर एफ सी कर लूँगा, ये हमारा साइड बार आ चुका है। अब राउटर में हम राउटर सेटअप कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको राउटर सेटअप करने के लिए गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे ओके तो राउटर सेटअप करने के लिए हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो साइड बार एंड एक में होगा हमारा लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, एंड एक में होगा हमारा साइड बार लेफ्ट लेफ्ट साइड में, ओके। सो इसके लिए मैं दो डी यू बनाऊँगा, ओके, और इस डी यू में और एक डी यू बना लूँगा, और इसमें भी एक और डी यू बना लूँगा। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइड बार, ओके यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइड बार, और यहाँ पर हमारा लेफ्ट पार्ट आएगा, ठीक है। तो इसको मुझे करना पड़ेगा क्लास नेम फ्लेक्स, ओके। नाउ यहाँ पर हम सेटअप करेंगे राउटर्स को, राउट्स, ओके ये राउट्स बन चुका है, इसके अंदर अब राउटर राउट होगा, राउट यहाँ पाथ, और यहाँ पर एलिमेंट्स जो होगा हमारा वो यहाँ पर दे देंगे। सो अभी के लिए तो हमने कोई भी पेज बनाया नहीं है, लेकिन चलो एक होम पेज बना देते हैं,
सो यहाँ पर मैं होम पेज बनाऊंगा, इसके अंदर होम पेज डॉट जेएसएक्स आरएफसी, ये हो चुका हमारा होम पेज। और यहाँ पर मैं होम पेज इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। सो देख सकते हैं आप, ये फॉर्मेट हो चुका है। और ठीक है, साइड बार आ चुका है हमारा। और अब इसको जो हमें राउटर डॉट जेएस एक्स है, इसको मेन ऐप में, ऐप डॉट जेएस में हमें सबसे पहले तो ये जो मैं डिफ़ॉल्ट कोड है इसको हटाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं वो राउटर को कॉल कर दूंगा, राउटर, ये राउटर को, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट सीएसएस को भी मैं हटा दूंगा यहाँ से। सो देख लेते हैं हम कैसा दिख रहा है हमारा एप्लीकेशन एक बार। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड बार और होम पेज दोनों आ चुका, क्योंकि ये दोनों हमने फ्लैक्स रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे साइड बार को। चलो जल्दी से साइड बार को डिज़ाइन कर लेते हैं। साइड बार डॉट जेएस एक्स में जाएंगे यहाँ पर हम, और स्टार्ट करेंगे इसको डिज़ाइन करना। तो सबसे पहले तो ओके, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक डिव ऑलरेडी है, तो इसके अंदर भी एक डिव बना लेंगे हम, ठीक है। ये बन चुका है डिव। सो और इसके अंदर भी और एक डिव बनाएंगे, ठीक है। सो इसके अंदर हम लोगो रखेंगे जो हमारा साइड में, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये जो लोगो है वो इसको यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले हमें इमेज, इमेज में हम src में दे देंगे https://i.imgur.com और zqplq.png। ओके, ये हमारे इमेज की URL है। गैस इस URL को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको थोड़ी सी विड्थ दे देंगे। सबसे पहले तो क्लास नेम, विड्थ कितने देंगे, विड्थ दे देंगे 40, ओके। और विड्थ आ जाएगी 40 इसकी, ओके। तो अब इसके बाद निचला पार्ट, यहाँ पर हम सारे मेन्यू को रेंडर कराएंगे, ठीक है। और देखते हैं हमारा लोगो कैसा दिख रहा है। तो या आप देख सकते हैं लोगो हमारा यहाँ पर आ चुका है। और ओके, तो अब डिज़ाइन करते हैं हमारा मेन्यू। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे रिएक्ट आइकन में से एक आइकन की ज़रूरत पड़ेगी। रिएक्ट आइकन को मैं ओपन कर लेता हूँ, रिएक्ट आइकन्स ये आ चुका है रिएक्ट आइकन। और ये होम पेज, यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा IO रीऑर्डर, आई रीऑर्डर आउटलाइन वाला, थ्री आउटलाइन ये वाला, ठीक है। यहाँ पर मुझे दूसरा डिव क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं इसको करूँगा पेस्ट, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम रिएक्ट आइकन से।
इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स हाइफन, और गाइज यहाँ पर हाइफन के बाद आपको क्या दे रहा है ये आई ओ, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, आई ओ लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम आई ओ दे देंगे स्टार्टिंग में। अभी भी एक एरर आ रहा है, ये कौन सा एरर है? अच्छा ये इसी का एरर है, आई ओ रिकॉर्डर थ्री रन आउटलाइन फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स, रिएक्ट आइकन्स, रिएक्ट आइकन्स डाउनलोड तो है ना, एरर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्ट एज अ आउटलाइन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एज अ वॉज नॉट फाउंड इन रिएक्ट आइकन्स आईओ, ओके इसमें फाउंड नहीं है तो आईओ फाइव करेंगे, ठीक है, ओके अब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है, एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेन्यू आ चुका है। अब इसके बाद क्या है यहाँ पर, मोर का है वो, मोर और इसको मार्जिन लेफ्ट दे देंगे फाइव, ठीक है, और इसको फिर हमें क्लास नेम देना पड़ेगा फ्लेक्स आइटम सेंसर एंड कर्सर पॉइंटर, ओके तो ये हो चुका हमारा कंप्लीट। देख सकते हैं आप ये ऐसा दिख रहा है, ओके इसको स्टाइल करेंगे, थोड़ी देर रुक जाइए। इसके बाद हमें बाकी के आइकन्स, ये जो ये लास्ट वाला तो हमारा आ चुका, अब ये जो बाकी के आइकन्स है इसके लिए हमें सबसे पहले एक मैं कॉन्फिग फाइल तैयार करूँगा, जैसे इसका नाम दूंगा मैं साइड बार कॉन्फिग डॉट जेएस, ओके, और क्या करूँगा कि यहाँ पर सारे जो आइकन है वो एक अरे के फॉर्म में बना लूँगा, फिर इसको हम मैप कर देंगे वहाँ पर, ठीक है, तो कॉन्स्ट मेनू इक्वल टू ये वो बन जाएगा अरे, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट, सबसे पहले टाइटल, ये सबसे पहला होगा होम, और इसके बाद आइकन, आइकन में हमें ए आई आउटलाइन होम देना है, ठीक है, तो चलो सर्च करते हैं कहाँ गया ए आई आउटलाइन होम, ए आई आउटलाइन होम, आउटलाइन होम, हाँ ये वाला, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट कंट्रोल वी, और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा तो इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कंट्रोल वी फ्रॉम रिएक्ट आइकन, रिएक्ट आइकन्स और ए आई, ओके, और इसके बाद आइकन हो चुका, अब आएगा एक्टिव आइकन, एक्टिव आइकन, सो एक्टिव आइकन में भी वही है ए आई फिल होम, इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे, देख सकते हैं अब आ चुका है ये भी, और चलो ये तो हो गया हमारा पहला। अब दूसरा है सर्च TITLE टाइटल, सर्च और आइकन, सर्च में हम आइकन AI आउटलाइन, आउटलाइन सर्च का यूज़ करेंगे, आउटलाइन सर्च AI, ओके आउटलाइन सर्च आ चुका है, और इसके बाद एक्टिव आइकन, ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, एक्टिव आइकन, एक्टिव आइकन में हम ए आई
आउटलाइन सर्च, हाँ तो इसमें तो सेम ही रहेगा, ठीक है। AI आउटलाइन सर्च, इसका क्या हुआ, ये क्लोज यहाँ पर था। ओके ओके, अब टाइटल आएगा सर्च के बाद एक्सप्लोरर। ओके एक्सप्लोर, और इसमें आइकन दे देंगे हम ए आई आउटलाइन कंपास, ए आई आउटलाइन कंपास कंपास, ये रहा। ओके इसके बाद हम दे देंगे एक्टिव आइकन, एक्टिव आइकन में ए आई फिल कंपास, ए आई फिल कंपास। ओके एक्सप्लोरर के बाद आएगी रील्स, तो यहाँ पर टी आई टाइटल, टी आई टी एल ई रील्स, इसका आइकन हो जाएगा आर आई वीडियो लाइन, आर आई वी टी वीडियो लाइन। ओके इसका सजेशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमने अभी इंपोर्ट नहीं किया है एक भी बार, तो यहाँ पर अब इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कंट्रोल वी फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स और आर आई, ठीक है। अब एक्टिव आइकन में इसका फिल आ जाएगा, आर आई वीडियो फिल, आर आई वी जियो फिल। ओके और रील्स के बाद आ जाएगा मैसेज, टी आई टी एल ई। अब मैसेज मैसेज, और इसका आइकन हो जाएगा ए आई आउटलाइन मैसेज, आउटलाइन मैसेज मैसेज, और इसका एक्टिव आइकन हो जाएगा ए आई आउटलाइन फिल मैसेज, नॉट आउटलाइन फिल मैसेज, एक्टिव आइकन ए आई आउटलाइन की जगह आएगा अब फिल और मैसेज। ओके गाइस इसके बाद आएगा नोटिफिकेशन और इसके बाद आएगा क्रिएट, तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन, हाँ टी आई टी एल ई नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन और आइकन। हाँ नोटिफिकेशन का आइकन हम यूज़ करेंगे ए आई आउटलाइन हार्ट, ओके ए आई आउटलाइन जी आर डी हार्ट, और इसके बाद एक्टिव आइकन में हम यूज़ करेंगे ए आई फिल हार्ट, ए आई फिल हार्ट, और इसके बाद हम टी आई टी एल ई क्रिएट, ठीक है। नोटिफिकेशन के बाद आ जाएगा क्रिएट आइकन, इसमें यूज़ करेंगे ए आई आउटलाइन प्लस सर्कल, आउटलाइन प्लस सर्कल। ओके और एक्टिव आइकन में यूज़ करेंगे फिल, ए आई फिल ओके, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है, आ जाएगा एक्टिव, एक्टिव आइकन आएगा आउटलाइन फिल ए आई फिल प्लस सर्कल। ओके और इसके बाद आ जाएगी प्रोफाइल, तो टी आई टी एल ई
प्रोफाइल टैब, और इसमें हम यूज़ करेंगे आइकन, कौन सा यूज़ करेंगे, इसमें करेंगे सीजी प्रोफाइल, सीजी प्रोफाइल। ओके, सीजी प्रोफाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं इंपोर्ट। सबसे पहले तो इंपोर्ट सीजी प्रोफाइल फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स, रिएक्ट आइकन सीजी। ओके, और इसके बाद एक्टिव आइकन में आएगा सीजी प्रोफाइल आ चुका है एक्टिव आइकन। ओके, तो हमारा डेटा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब करेंगे इसको मैप और दिखाएंगे साइड बार में। तो चलिए जल्दी से इसको मैप कर लेते हैं और फिर बाकी की डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं। तो आ जाएंगे साइड बार जेएसएक्स में। यहाँ पर हमारा जो मैप करने के लिए हमने यहाँ पर बनाया था वो आ चुका है। इसको क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम मार्जिन टॉप 10 दे देंगे, और इसमें हम सारे आइकन को मैप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक डीव बनाना पड़ेगा। डीव बना लेंगे और इसको क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम फ्लेक्स आइटम सेंटर मार्जिन बॉटम 5 और कर्सर पॉइंटर, और टेक्स्ट जो है इसका हो जाएगा लार्ज। ठीक है, लार्ज हो जाएगा। हाँ, तो अब इस डिव में आएगा क्या? तो सबसे पहले तो आएगा पी, मीन्स जो हमारा नेम है वो आइटम का। ओके, आइटम नेम आ जाएगा, और इसके नीचे हम कर लेंगे आइकन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इस डिव को हम करेंगे मैप। सबसे पहले मेनू, ओके, हमने शायद इसमें से एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा वहाँ पर यूज़ करने के लिए। एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट। आप देख सकते हैं मेनू का वो सजेशन आ चुका है, मेनू डॉट मैप करेंगे अब इसको, और यहाँ पर आइटम एरो, और रिटर्न कर देंगे इस पूरे टीव को। ठीक है, ये रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ पर हम आइटम का नेम मीन्स टाइटल दे देंगे। तो इसके लिए मैं लिख दूँगा आइटम डॉट TITLE, आप सजेशन यहाँ पर देख सकते हैं, और आइटम डॉट आइकन यहाँ पर आ जाएगा। आइटम मुझे लिखना था, ओके आइटम। अब इसको थोड़ा सा मैं, अच्छा एक एरर आ चुका है। ओके, लेट्स फाइंड आउट दिस एरर, कौन सा एरर है ये। आर आई वीडियो लाइन, ओके, मैंने मिसपेल कर दिया है यहाँ पर। आर आई वीडियो लाइन, हाँ ऐसे लाइन आएगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा फिर ऐसे लाइन। ठीक है, और कोई एरर तो नहीं है ना, देख लेते हैं। चलो नहीं, अब सक्सेसफुली हो चुका है कंपाइल। ठीक है, तो इसको मैं पी को थोड़ा अब एक बार देख लेते हैं, इसके बाद इसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, कैसा दिख रहा है हमारा पेज, इसको करेंगे रिफ्रेश। तो अब देख सकते हैं ऐसा हमारा पेज दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो पी में हम क्लास नेम देंगे और आइटम डॉट टाइटल और आइकन। तो सबसे पहले तो हम ये जो आइकन है, ठीक है, इसी को यहीं से हम थोड़ा वो कर देंगे, यहीं पर क्लास नेम देके टाइटल आइकन।
ये जो आइकन है इसको यहीं पे क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम टेक्स्ट टू एक्सेल का देंगे और मार्जिन राइट दे देंगे 5 5 ठीक है। ये क्लास नेम हम सभी में दे देंगे, तो कॉपी करूँगा यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल वी, सेम यहाँ पर कंट्रोल वी, यहाँ पर भी कंट्रोल वी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और आरआईबीटीओ में अब दे देंगे इस रेल में। इसके बाद मैसेज में भी सेम कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, यहाँ पर भी, और लास्ट में प्रोफाइल में भी ये क्लास नेम दे देंगे। तो देखते हैं अब कितना कैसा लग रहा है, रिफ्रेश करते हैं पेज को। अच्छा ये थोड़ा सा वो हो चुका है गाइस, क्योंकि हमें जो यहाँ पर आप आइकन देख सकते हैं आइटम डॉट आइकन, वो आइकन पहले होना चाहिए और वो बाद में होना चाहिए, लेकिन हमने उल्टा कर दिया है। ठीक है तो इसको करेंगे सही सबसे पहले तो। इसको जो है हम पी के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, या अब सही लग रहा है। ठीक है अब ठीक है, और हम साइड बार को अब थोड़ा सा पहले तो साइड बार को कर लेंगे हम वो डिज़ाइन वगैरह। इसके बाद देखते हैं इसको एक्टिव वो जो हम फंक्शनैलिटी इसके बाद लगाएंगे। ठीक है तो साइड बार को सबसे पहले क्लास नेम इसको देना पड़ेगा स्टिकी, स्टिकी क्योंकि गाइस जैसे हम यहाँ स्टिकी मैंने क्यों दिया है बता देता हूँ आपको, कि जैसे हम ये स्क्रॉल करेंगे ठीक है, तो साइड बार तो वहीं रहेगा, साइड बार नहीं हिलेगा, केवल ये जो हमारा राइट साइड का पार्ट है वही स्क्रॉल होगा। ठीक है इसलिए हमने इसको स्टिकी दिया हुआ है, और इसको स्टिकी दिया है तो टॉप भी देना पड़ेगा, और टॉप में दे दूंगा 0, और इसकी हाइट जो है हम 100 VH दे देंगे, 100 VH, और इसके बाद पेडिंग थोड़ी सी बॉटम, ओके पेडिंग बॉटम नहीं देते, फ्लेक्स दे देते इसको सबसे पहले तो। एक्चुअली फ्लेक्स देने की आई डोंट थिंक कि फ्लेक्स देने की ज़रूरत है। ठीक है तो मैं फ्लेक्स भी यहाँ से हटा देता हूँ अब, ओके ऐसा दिख रहा है। ठीक है और इसके बाद क्या करेंगे, ये जो डी है सबसे पहले तो मैं थोड़ा फॉर्मेट कर लूँगा। तो इसको क्लास नेम देंगे, ये जो हमारा लोगो है वो ऊपर से चिपका हुआ है, ठीक है ऊपर से चिपका हुआ, तो इसको थोड़ा पेडिंग टॉप दे देंगे 10 दे देंगे, और इसको इसके बाद अब इसको थोड़ा स्टाइल कर लेंगे। क्लास नेम इसको दे देंगे फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम कंट्रोल जेड, और जस्टिफाई बिटवीन क्योंकि गाइस ये जो ये वाला जो है ये यहाँ पर नीचे आएगा, इसलिए हमने जस्टिफाई बिटवीन देंगे इसको। ठीक है इसके बाद इसकी हाइट दे देंगे फुल। तो अब अच्छा ये ही फैला गया, ओके ओके, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ से कट कर लेंगे कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर ये कौन सा डिव है, अच्छा ये वाला ये डिव है, ओके तो इसके अंदर हमें एक और डिव बनाना पड़ेगा, और फिर इसको हम इसके अंदर रख देंगे, और जो कट किया था वो यहाँ पर डालेंगे। ठीक है
या आप देख सकते हैं मार्च इन, ये मतलब ऐसा आ चुका है यहाँ पर, इसमें दोनों में बीच में गैप आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ये नीचे से बहुत चिपका हुआ है तो मैं इसको पैडिंग बॉटम दे दूँगा, जितनी मैंने यहाँ पर पैडिंग टॉप दी हुई है, कितनी दी हुई 10, तो यहाँ पर भी 10 दे दूँगा। सेम यहाँ पर गैप रहेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो चुका हमारा साइड बार। अब और जो हमें इसको ओके, और हमें जो इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन करना है वो हम करेंगे कौन से पेज में जाके करेंगे, राउटर में जाके करेंगे। ठीक है, सो हमारा राउटर सबसे पहले तो फाइंड करना पड़ेगा, राउटर डॉट जेएसएक्स को ओपन कर लेंगे यहाँ पर। अब इसमें ये साइड बार बॉक्स जो है इसको विड्थ दे देंगे, सबसे पहले क्लास नेम विड्थ 20% और बॉर्डर लेफ्ट देंगे इसको, बॉर्डर लेफ्ट देंगे स्लॉट 5000, ये बॉर्डर आ चुके हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है इसको थोड़ा सा पेडिंग लेफ्ट भी देना चाहिए, या तो चलो इसको पेडिंग लेफ्ट भी दे देते हैं थोड़ा सा। पेडिंग लेफ्ट दे देते 10, अब बेटर लग रहा है। ठीक है, पेडिंग लेफ्ट देने के बाद एक्चुअली पेडिंग लेफ्ट यहाँ पर नहीं देते हैं, स्कोर देते और साइड बार में ही दे देते हैं। या तो अब आ जा हमारा साइड बार, यहीं पर इसको पेडिंग दे देंगे। पेडिंग पी एक्स दे देंगे 10। ओके, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, या सही लग रहा है। अब एक और गाइस काम बाकी है जो कि इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा स्टाइल कर देते हैं, मीन्स थोड़े फॉन्ट का साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और क्लास नेम टैक्स इसको भी 2XL कर देंगे, जैसे कि हमने वहाँ पर भी 2XL किया हुआ है बाकी आइकन को भी, तो इसको भी 2XL और या फाइंडर हो चुका है। अब इस पर जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है गाइस, तो ये हाईलाइट होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हम अभी होम है और सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सर्च हाईलाइट हो रहा है, और यहाँ पर जैसे मैं प्रोफाइल पे जा रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी अब हम तैयार करेंगे, इसके लिए हैंडल टैप क्लिक फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर और ये जो डिव है इस पर हम क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक और हैंडल टैब क्लिक। ठीक है, और इसको हम दे देंगे आइटम डॉट TITLE टाइटल, और इसको यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब लिखते हैं हम यहाँ पर हैंडल टैब क्लिक कॉन्स्ट एरो फंक्शन बनाएंगे। अरे ओके, एरो फंक्शन बन चुका है। अब यहाँ से हम टाइटल लेंगे TITLE टाइटल, तो ओके तो क्या करेंगे, जब इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमें करना है सेट एक्टिव टैब। क्या करना है, TITLE जो टाइटल होगा उसको हम सेट कर देंगे। अब सेट एक्टिव टैब सबसे पहले तो हमें यहाँ पर
ये स्टेट बनाना पड़ेगा, है नहीं हमारे पास, तो बना लेते हैं const एक्टिव टैप एंड सेट एक्टिव टैप इक्वल टू यूज स्टेट। ओके अब यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर दिया। अब क्या करना है कि इफ ठीक है टैब इक्वल टू प्रोफाइल है प्रोफाइल, तो हमें इसको नेविगेट कर देना है। कहाँ पर नेविगेट करना है, तो सबसे पहले हमें यूज़ नेविगेट का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर नेविगेट करने के लिए नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट। सो ये जो यूज़ नेविगेट है गाइज वो रिएक्ट आउट डोम से आएगा और ये हमें दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का है, नेविगेट लिखना है यहाँ पर और यहाँ पर आपको पाथ दे देना, आप जो भी पाथ यहाँ पर दे देंगे उस पाथ पे ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो अभी के लिए मैं पाथ लिखता हूँ यूज़र नेम, ठीक है यूज़र नेम से वो कर देगा। टैब इक्वल टू प्रोफाइल मीन्स टी आई टी एल ई आएगा यहाँ पर, टी आई टी एल इक्वल टू प्रोफाइल मीन्स इसको हमें नेविगेट कर देना है। और एल्स इफ टाइटल नहीं है और इसकी जगह होम है, ठीक है टी आई टी एल ई, टी आई टी एल ई इक्वल टू हाँ होम है, तो हम कहाँ पर रिडायरेक्ट करेंगे इसको, तो हम होम पेज पे मीन्स कि ये इस पाथ पे रिडायरेक्ट करेंगे। ठीक है ओके तो अभी के लिए इतना ठीक है। कंट्रोल एस और कंट्रोल शिफ्ट एफ एक्टिव टैब, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर हमारा एक्टिव टैब चूँकि हमने क्लिक किया है वो अगर हमारा एक्टिव टैब है तो हम यहाँ पर जो आइटम डॉट आइकन करा रहे हैं वहाँ पर आइटम डॉट एक्टिव आइकन को दिखाना है। ठीक है तो या चलो कर लेते हैं इसको। अब इफ हमारा एक्टिव टैब इक्वल टू हमारा जो आइटम डॉट टाइटल है, हमारा आइटम डॉट टाइटल और हमारा एक्टिव टैब दोनों सेम है तो हमें क्या करना है, आइटम डॉट एक्टिव आइकन को यहाँ पर कॉल करना है एक्टिव, और नहीं है देन हमें आइटम डॉट आइकन को कॉल करना है यहाँ पर। ठीक है और वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे, पी को यहाँ पर बोल्ड कर देंगे क्लास नेम में कि इफ हमारा एक्टिव टैब, ओके इसको ऐसे करना पड़ेगा ऐसे कि इफ हमारा एक्टिव टैब इक्वल टू आइटम डॉट टी आई टी एल ई है तो हमें क्या करना है, फॉन्ट को बोल्ड करना है, अदरवाइज हमें फॉन्ट को क्या करना है, सेमी बोल्ड रखना है। ठीक है फॉन्ट को रखना है सेमी बोल्ड और इसको पूरे को रैप करना पड़ेगा कैलिब्रेशन से और यहाँ पर लगाना पड़ेगा डॉलर। तो गाइज इसका मतलब है कि हमारा अगर जो भी हमने जिस टैब पे क्लिक किया है वो अगर हमारा एक्टिव टैब है तो इसका फॉन्ट बोल्ड दिखेगा, अदरवाइज सेमी बोल्ड दिखेगा। सेम यहाँ पर अगर एक्टिव है तो हमें फिल वाला आइकन दिखेगा और अगर एक्टिव नहीं है तो आउटलाइन वाला आइकन दिखेगा। तो चलो एक बार देख लेते हैं इस पर, सॉरी ये है हमारा ओरिजिनल, इसको मैंने किया रिफ्रेश और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ देख सकते हैं ये फिल आइकन आ चुका है और ये बोल्ड हो चुका है और जैसे सर्च पे क्लिक करता हूँ तो सेम सर्च पे भी वही हो रहा है। ठीक है ना ऑसम गाइस, या ग्रेट।
ओके, तो आई थिंक हमारा साइड बार जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे प्रोफाइल पेज को, यहाँ पर बनाएंगे प्रोफाइल पेज। जो जैसे आप हम यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र नेम आ चुका है। और तो चलो ठीक है, बनाते हैं प्रोफाइल पेज को। तो इसके लिए हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, प्रोफाइल कंपोनेंट्स, प्रोफाइल कंपोनेंट्स, और इसको मैं कंपोनेंट के अंदर डाल दूंगा, ऑटो कंपोनेंट। ठीक है, ये साइड बार कर दूंगा क्लोज, और यहाँ पर एक पेज बना लूंगा प्रोफाइल से, प्रोफाइल नेम से, प्रोफाइल प्रोफाइल डॉट जेस एक्स RFC। ये हो चुका हमारा प्रोफाइल। और अब इसको राउट कर, इसका राउटर बना लेंगे, कॉपी कंट्रोल वी। अगर हमारा पाथ यूज़र नेम आता है तो हमें दिखाना है प्रोफाइल पेज को, तो प्रोफाइल, ये प्रोफाइल पेज को दिखाना है। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल पेज आ चुका है। और प्रोफाइल पेज में सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला जो पार्ट है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सबसे पहले। तो इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं और प्रोफाइल में चलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, सबसे पहले इसको यूज़र डिटेल, ठीक है, वो यूज़र डिटेल को हम करते हैं कंप्लीट सबसे पहले। तो यूज़र डिटेल्स, प्रोफाइल यूज़र डिटेल्स, प्रोफाइल यूज़र डिटेल्स डॉट JSX, ओके, RFCE, RFCE। सो गाइस, ये RFCE एक स्निपेट है रिएक्ट का। जैसे हम RFCE लिखते हैं तो पूरा कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये कैसे कर रहा हूँ, तो या ये थोड़ा देख लेना आप, एक स्निपेट है। तो ओके, इसके बाद हम प्रोफाइल पेज में जाएंगे, यूज़र डिटेल कार्ड, बनाएंगे अब। ठीक है, ओके, तो इसको हटाऊंगा मैं यहाँ से, बनाऊंगा एक डिव बढ़िया सा। सबसे पहले तो इसको मैं क्लास नेम दे दूंगा, और यहाँ पर ऊपर नीचे थोड़ा पेडिंग है तो मैं PY10 कर दूंगा, PY10। इसके बाद ये दूसरा ट्यूब, और इसमें एक और ट्यूब बना लूँगा, और इसमें मैं इमेज रखूँगा। इमेज अभी के लिए मैं क्या करूँगा, पिक्सा बे, यहाँ से मैं कोई भी इमेज कॉपी कर लूँगा, इमेज की URL। ठीक है, तो कौन सी, ये करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, कंट्रोल वी, मिल जा चुका है। और इसको मैं क्लास नेम दे दूंगा, विड्थ 32, हाइट 32, ओके, एंड राउंडेड फुल कर दूंगा, राउंडेड फुल। हाँ, राउंडेड फुल क्यों, क्योंकि ये जो हमारा प्रोफाइल पिक्चर है पूरा राउंड आएगा यहाँ पर, ये वाला। तो अच्छा, ये मैंने यहाँ पर रेंडर नहीं किया ना, तो सबसे पहले तो इसको कॉल कर लेते हैं प्रोफाइल पेज में। ठीक है, तो ये हमारा प्रोफाइल पेज, और एक मिनट, यूजर डिटेल, तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करूँगा, और यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, यूज़
प्रोफाइल यूजर डिटेल्स, या प्रोफाइल यूजर डिटेल देख सकते हैं आप, देख रहे हैं यहाँ पर चिपका हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर पेडिंग दे दूंगा, क्लास नेम पीएक्स दूंगा 20, तो अब ये हाँ अब सही लग रहा है। ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है, तो अब इसको डिज़ाइन कर लेते हैं पूरा। कहाँ गया हमारा प्रोफाइल यूज़र डिटेल, यहाँ पर है इमेज, ओके, और इसको हम विड्थ देंगे 50%, बाकी का जो रहेगा वो अदर डिटेल्स के लिए रहेगा। तो ऑल शिफ्ट ये करूँगा, और इसके बाद ये इसका है, यहाँ पर मैं दूसरा डिव बनाऊँगा, यहाँ पर सारे दूसरी डिटेल्स आएंगी। इसके अंदर भी मैं एक और डिव बना लूँगा, और इसके अंदर यूज़र नेम, यूज़र नेम, ठीक है, और यूज़र नेम के अलावा और क्या है, पोस्ट फॉलोवर एंड फॉलोइंग एंड एडिट प्रोफाइल एंड ये आइकन। ठीक है, तो चलो इसको रखते हैं अब प्रोफाइल पेज आज, सॉरी सबसे पहले तो यूज़र नेम आ गया। अब इसके बाद आएगा एक बटन, बटन क्या है, एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, और तीसरा बटन में हम देंगे ऐड टूल करके एक आइकन, ये वाला ऐड टूल का एडिट प्रोफाइल, और ये देना है। ठीक है, तो चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, टीबी सर कल टेस्ट, ये आइकन, इस आइकन को कॉपी, इंपोर्ट कंट्रोल वी फ्रॉम, अरे फ्रॉम रिएक्ट आइकन टीबी, I hope it will not give me any error. Oh, error दे दिया आखिर, TP circle, 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 TA, okay, TA आएगा, चलो हाँ है तो सही है। okay, इसको कर देता रिमूव, हो जाएगा कंपाइल, या हो चुका है, अब देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा एप्लीकेशन। अरे सबसे पहले तो ना मैं इसको फ्लैक्स करता हूँ, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से मज़ा आए। क्लास नेम फ्लैक्स आइटम सेंटर, अब इसको भी फ्लैक्स करना पड़ेगा, इसको तो फ्लैक्स कर दिया, अब इसको भी फ्लैक्स करना पड़ेगा, तो चलो इसको भी फ्लैक्स कर देते हैं। इसमें क्या है, क्लास नेम फ्लैक्स स्पेस एक्स दे देंगे हम 10 का, क्योंकि सब में स्पेस आ जाएगा, आइटम, आइटम सेंटर। ठीक है, तो गाइस स्पेस एक्स जो मैंने दिया ये सभी चाइल्ड के बीच यहाँ पर स्पेस आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर जो स्पेस देख सकते हो वो स्पेस एक्स 10 की वजह से आया हुआ है। ठीक है, तो या ये आपको बता दिया मैंने। और इसके बाद ठीक थे, लेकिन ये थोड़ा सा चिपका हुआ है, के तो मैंने इसको बॉर्डर सॉरी वेट तो दी हुई है 50% देनी थी मुझे। ओके, तो अब आई थिंक
ओके 50%, 50% में ऐसा आ गया, 50%। अच्छा इसकी विड्थ मुझे फुल करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो मैंने वेट ऑलरेडी दी हुई है। सही है, 50% इतना क्यों आ रहा है? अगर मैं 25% दे दूँ तो अभी भी नहीं आ रहा है। थैंक यू वेट फॉल, तब कितना आएगा? और यहाँ पर मैंने जो प्रोफाइल में दिया हुआ है, ठीक है, हाँ इसको तो मैंने क्लास नेम दिया ही नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन इसको अच्छे लेते हैं, ज़रूरत है नहीं। ओके ओके चलो डीबग करते हैं इसको। कहाँ गया वाटर? ओके इसकी वेट करते हैं फुल, फुल भी इतनी क्यों आ रही है? अच्छा फुल तो दी हुई है मैंने यहाँ पर, फिर भी इतनी आ रही है। तो राउटर में चलते हैं, यहाँ पर क्लास नेम वेट्स फुल। ओके अब सही लग रहा है, यहाँ पर वेट्स फुल नहीं दी थी हमने। चलो आ जाते हैं वापस यहाँ पर, इसको कर देते हैं 50% फिर से, तो थोड़ा नज़दीक आ जाएगा या अच्छा लग रहा है। अब इसकी बॉर्डर निकाल देंगे यहाँ से, बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। ओके इतना हो चुका, अब क्या करना है? हाँ अब नीचे 1 post 10 follower and 5 following इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो हाँ देखते हैं, चलो इसको अब एक टीम ही आ चुका, दूसरे टीम में यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर एक और टीम बना लेता हूँ जिसमें मैं स्पान और यहाँ पर पोस्ट, ठीक है। तो 10 posts लिख दूंगा अभी के लिए, और यहाँ पर स्पान पोस्ट, फिर दूसरा जो है वो फॉलोवर के लिए है सेम टीव स्पान स्पान। ओके तो फॉलोवर भी मैं कर दूंगा 5 followers कर देता हूँ चलो, और इसके बाद स्पान फॉलोवर फॉलोवर। ओके और इसके बाद लास्ट जो डी आएगा वो फॉलोइंग के लिए आएगा, ठीक है। फॉलोइंग के लिए भी स्पान, स्पान का स्पेलिंग क्यों मैं बार बार भूल जाता हूँ, सेवन फॉलोइंग लिख देता हूँ, और स्पान यहाँ पर फॉलोइंग। ओके ये हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले तो मुझे इसको फ्लैक्स करना पड़ेगा, क्लास नेम फ्लैक्स और स्पेस एक्स जो है वो मुझे 10 देना पड़ेगा, ठीक है। और इसको सेमी बोल्ड और मार्जिन 2 देना है सब में, क्लास नेम फॉन्ट सेमी बोल्ड एंड मार्जिन 2, ये मुझे सब में देना है। कॉपी करूँगा यहाँ से, यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर भी सेम पेस्ट कर दूँगा, और चलो देखते हैं अब कैसा दिख रहा है। ओके गाइस बढ़िया दिख रहा है, अब थोड़ा सा मार्जिन टॉप आ जाए बढ़िया लगेगा फिर तो।
ओके, अब इसके बाद क्या है? इंडियन कोडर. अच्छा, इंडियन कोडर है और बायो आएगा. ठीक है, चलो बायो और इंडियन कोडर मीन्स नेम एंड बायो को डिज़ाइन करता है थोड़ा सा. चलिए ये पार्ट ख़त्म हुआ अब, और इसके बाद ले लेते हैं पी और यूज़र नेम. फुल नेम आएगा यहाँ पर, यूज़र नेम नहीं, फुल नेम. और यहाँ पर आएगा बायो पी. लोरेम लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर एक काम करते हैं ना, यहाँ पर जाके इंस्टा बायो फॉर बॉयज, इंस्टाग्राम बायो फॉर बॉयज. और यहाँ पर जाते हैं और कॉपी करते हैं कुछ अच्छा सा. क्यों दिखाई नहीं दे रहा ये वाला? या इसको कॉपी करेंगे यार, अच्छा अच्छी सी लाइन नहीं है. चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, इंजीनियरिंग वाला कॉपी. एंड ये कंट्रोल भी. अब इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, सेमी बोल्ड कर दूँगा, सेमी बोल्ड कर दूँगा. और इसको थिन, और इसको जो है मैं थिन और टैक्स एसएम कर दूंगा, स्मॉल टैक्स कर दूंगा. ठीक है, देखते हैं अब कैसा दिख रहा है. बढ़िया दिख रहा है. अभी इसमें स्पेस बड़ा नहीं है. ठीक है, स्पेस बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करेंगे हम, जो पेरेंट डिव है इसमें से स्पेस वाई दे देंगे, ताकि इसकी पेज स्पेस सबको मिल जाएंगे. ये जो इसका पेरेंट है, ठीक है, इसको सबसे पहले मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट की आई थिंक ज़रूरत नहीं है. स्पेस वाई देना है हमें, कितना देना है, 5. और टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल सभी में. हाँ, आई थिंक एक्स्ट्रा स्मॉल की जगह ये पहले ही सही था, एक्स्ट्रा स्मॉल की ज़रूरत नहीं. या बढ़िया लग रहा है. चलो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट ख़त्म. अब करना है हमें ये वाला पार्ट, यूज़र पोस्ट, रेग यूज़र पोस्ट पार्ट, रेग यूज़र पोस्ट पार्ट, अथवा तो रेग यूज़र पोस्ट कार्ट, रेग यूज़र पोस्ट. ओके, तो बनाते हैं अब यहाँ पर रेग्यूजर पोस्ट पार्ट, रेग्यूजर पोस्ट पार्ट डॉट जेस एक्स आर ए सी ए. प्रोफाइल में यहाँ पर, अच्छा ये क्या आ गया, ट्रिव रेग्यूजर पोस्ट पार्ट. ओके, ऐसा नहीं कॉल करेंगे हम इसको, अच्छे से ऐसे कॉल करेंगे. या अब रेग यूजर पोस्ट पार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे. कहाँ गया ये रहा रेग यूजर पोस्ट. ओके, हटाएंगे इसको और स्टार्ट करेंगे पोस्ट. ठीक है, इसमें भी सबसे पहले हम टैब की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर है पोस्ट रेल सेव्ड एंड है. तो या इसके पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसको. तो कॉन्स टैब्स इक्वल टू अरे होगा एक, जो कि लेगा टैब और पोस्ट, जो कि टैब का नेम है, आइकन होगा या आउटलाइन. अरे ये क्या किया मैंने, ये आई आउटलाइन टेबल. ओके, अब एक्टिव आइकन मीन्स एक्टिव टैब, इसको खाली छोड़ देंगे. ठीक है,
रील्स टैप रील्स आइकन RI वीडियो जो हमने वहाँ पर यूज़ किया था इसी को यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इसके बाद सेव्ड टैब सेव्ड। ओके, इसका आइकन होगा BI बुकमार्क्स, BI बुकमार्क। अच्छा, ये सजेशन क्यों नहीं दे रहा है? चलो सबसे पहले बी आई बुक मार्क इम्पोर्ट सजेशन क्यों नहीं दे रहा भाई? फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स BI, या अब यहाँ पर बी आई बुक मार्क आ गया ना सजेशन। अब टैग तो टैब इसमें होगा, टैग आइकन AI आउटलाइन यूजर, ठीक है, ये यूजर का आइकन आ जाएगा। ओके गाइस, तो हमारा टैब कंप्लीट हो चुका है, 1, 2 एंड 3, थ्री टैग हमें चाहिए, 1, 2 एंड 3। हाँ, एक टैब रह रहा है, कौन सा रह रहा है? रील्स का आ गया, सेव्ड का आ गया, और ये वाला, हाँ, फोर टैब है हमारे पास। ओके, फोर टैब आ चुके हैं। अब इसी फोर टैब को हम यहाँ पर मैप कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं क्या नेम दिया है मैंने, टैब्स, ओके, टैब्स डॉट मैप करूँगा इसको। और या यहाँ पर हम आइटम रिसीव करेंगे, और चलो इसके पहले मैं थोड़ा एक ट्यूब बना लेता हूँ, अभी क्रिएट नहीं किया है, तो इसको क्लास नेम बाद में देंगे। पहले तो इसके अंदर क्या होगा, पी होगा जिसमें आइकन होगा आइटम डॉट आइकन होगा, और दूसरा होगा टैब मेंस आइकन का नेम पी। चलो आइटम डॉट होगा नेम टैब, सॉरी नॉट नेम। ओके, अब इसको मैं फ्लैक्स देना पड़ेगा, सबसे पहले तो फ्लैक्स आइटम सेंटर देना पड़ेगा एंड कर्सर पॉइंटर देना पड़ेगा, और इसके बाद py2, थोड़ा सा पेडिंग भी चाहिए, टैक्स SM कर देंगे, और अब इसको रिटर्न करेंगे यहाँ पर। ओके गाइस, चलो देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये है, हाँ सही दिख रहा है, लेकिन इसको हमें करना पड़ेगा फ्लैक्स। तो चलो इसको अब फ्लैक्स CS प्रॉपर्टी लगाते हैं, फ्लैक्स स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, स्पेस x14 देते हैं, और बॉर्डर t देते हैं, बॉर्डर टॉप, ठीक है, और रिलेटिव। ये बॉर्डर टी, अच्छा ओके, टेक्स को एक्स्ट्रा स्मॉल करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, चलो ज़रूरत नहीं है इसकी, जाने दो। अब गाइस यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं चिपका चिपका हुआ है, ठीक है, तो इसको मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं। हाँ, क्लास नेम मार्जिन लेफ्ट दे देंगे 1, ताकि थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाए, एंड टेक्स्ट को कर देंगे SM। वैसे टेक्स को SM करने की ज़रूरत क्या है, वो ऑलरेडी SM है।
तो हम इसको छोड़ देंगे। चलो बढ़िया। अब एक्टिव टैब, जैसे मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा, रील पे क्लिक करूँगा या सेव पे क्लिक करूँगा तो वो एक्टिव टैब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें सेट एक्टिव टैब करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से मैं स्टेट बना लेता हूँ यहाँ पर, कॉन्स्ट एक्टिव टैब एंड सेट एक्टिव टैब इक्वल टू यूज स्टेट। और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैप स्टीव पे, जैसे मैं स्टीव पे क्लिक करूँगा, ऑन क्लिक सेट एक्टिव टैब आइटम डॉट, अच्छा इसके अंदर देना पड़ेगा आइटम डॉट टैब। ओके, तो अब इसकी थोड़ी सी हम क्या करेंगे कि सी एस एस चेंज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसको रैप करेंगे ऐसे, और फिर बैकटिक से रैप करेंगे और इसको हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक क्या है हमारा, इफ़ एक्टिव टैब इक्वल टू आइटम डॉट टैब्स, तो हमें क्या करना है, बॉर्डर टी, इसको बॉर्डर देने हैं। ठीक है, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप देनी है, बॉर्डर ब्लैक होगी और बॉर्डर PLSCK, बॉर्डर ब्लैक होगी। एल्स हमें क्या करना है, इसकी ओपासिटी जो है वो कम रखनी है। ओपासिटी कितनी कम रखेंगे, 60 रखेंगे। दैट्स इट। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर देखो क्लिक किया तो ये यहाँ पर बॉर्डर टॉप आ चुका है, रेस पे क्लिक किया तो यहाँ पर बॉर्डर आ चुका है और यहाँ पर भी आ चुका है। ग्रेट गाइस, अब क्या करना है हमें, ये जो कौन कहाँ गया है, हाँ ये वाला कार्ड हमें क्रिएट करना है गाइस। अब तो चलो अब इस कार्ड को क्रिएट करते हैं। तो रेक यूज़र पोस्ट कार्ड इसका नेम रखेंगे हम, रेक यूज़र पोस्ट कार्ड डॉट JSX, और RFC कर लूँगा। ठीक है, अब रेक यूज़र पोस्ट कार्ड, या यहाँ पर मैं इसको हटाऊँगा और एक डिव तो है ही, दूसरा डिव ले लेते हैं। चलो इसके अंदर सबसे पहले तो आएगा इमेज, ऑब्वियसली इमेज तो आएगा ही, तो मैं यहाँ से एक इमेज कॉपी करूँगा। चलो इसको ही कॉपी कर लेते, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, कर्सर पॉइंटर करेंगे इस पर, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर एक और डिव ले लेंगे। हाँ अभी ये क्यों लेना है गाइस, जो कि जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं इस पे होवर कर रहा हूँ ना तो ये हार्ट और कमेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर नीचे एक और डिव ले रहे हैं, या इसके अंदर भी एक और डिव लेके हम AI फिल हार्ट, फिल हार्ट का यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पर हम स्पान का यूज़ कर लेंगे, कितने लाइक है, और यहाँ पर सेम दूसरा डिव, यहाँ पर फा कमेंट आइकन का यूज़ करेंगे, फा कमेंट सजेशन क्यों नहीं दे रहा, फा कमेंट कमेंट।
ओके चलो इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर, इंपोर्ट फा का मैं, अच्छा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, फा कमेंट फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स फा, या दैट्स इट, फा कमेंट, ओके इसको हटाते हैं। ओके अब फा कमेंट में भी हम स्पान दे देंगे डमी, कितनी कमेंट दूंगा मैं, दे दूंगा 30 कमेंट, चलो 30 कमेंट दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट देने में क्या दिक्कत है। ओके तो अभी ये पोस्ट जो हमारा बन चुका है इसको हमें विड्थ और हाइट भी देनी पड़ेगी, तो क्लास नेम विड्थ 60 एंड हाइट भी 60 सेम। चलो देखते कितना बड़ा कार्ड, अच्छा कार्ड यहाँ पर आ नहीं रहा है, ओके तेरे इस कार्ड को ना सबसे पहले हम करेंगे ओके तो सबसे पहले तो इस कार्ड को हम यहाँ पर कॉल करेंगे, ठीक है। तो कार्ड को कॉल करने के लिए सबसे पहले या हाँ हमें ओपन करना पड़ेगा इस यूज़र रेग यूज़र पोस्ट पार्ट, हाँ सबसे पहले मैं इसको करूँगा फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो चुका है। अब ओके इसके बाद हाँ इसके नीचे यहाँ पर मैं एक डिव बना के इसी में मैं यहाँ कॉल कर दूँगा, तो चलो डमी आ रहे बना लेते हैं डॉट मैप, अच्छा इसको सबसे पहले मुझे ऐसे रेप करना पड़ेगा और यहाँ पर वन डॉट मैप आइटम और रेक यूजर पोस्ट कार्ड, ओके लेट्स सी नाउ, ओहो ये क्या है, आइटम इज़ नॉट डिफाइंड, कौन से आइटम की बात कर रहा है भाई, आइटम इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा एक बार इसको ना रिफ्रेश करते हैं, ओ आ चुका है, कंप्लीट आ चुका है, ठीक है। तो अब इसको क्लास फ्लैक्स फ्लैक्स रैप दे देंगे, अब यहाँ पर थोड़े से स्पेस की भी ज़रूरत है, ठीक है तो स्पेस हम देंगे यहाँ से, प्रोफाइल यूज़र प्रोफाइल कार्ड नहीं रेक यूज़र प्रोफाइल कार्ड, हाँ इसके लिए हम एक CSS बनाते हैं, रेक यूज़र पोस्ट रेक यूज़र पोस्ट कार्ड डॉट CSS और इसमें करते हैं इम्पोर्ट, ये कौन सा है रेक यूज़र पोस्ट कार्ड, हाँ यहाँ पर इम्पोर्ट रेक यूज़र पोस्ट रेक यूज़र पोस्ट कार्ड डॉट CSS, ये एक यूजर पोस्ट कार नहीं कार्ड सही है ना, एक यूजर पोस्ट कार्ड डॉट CSS सॉरी ओके। तो चलो अब इसके लिए CSS लिखते हैं, तो CSS के लिए सबसे पहले तो मैं एक क्लास बनाऊंगा पोस्ट, पोस्ट के लिए पोजीशन में कर दूंगा रिलेटिव एंड ओवरफ्लो हो जाएगा रिटर्न। गाइस ये जो CSS हम लिख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जैसे हम यहाँ पर होवर करेंगे तो ये इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो या
पोस्ट, इसके बाद इमेज, सो इमेज ने डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे और इसकी विड्थ जो है हम 100% रख देंगे और इसकी हाइट जो है वो भी 100% रखेंगे। और इसके बाद जैसे हम पोस्ट पे होवर करेंगे, ठीक है, तो लेट मी राइट द होवर इफेक्ट फॉर इट्स, होवर करेंगे तो ओवरले जो है, ओवरले उसकी ओपासिटी कितने हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे हम पोस्ट पे ओवर करेंगे तो ओवरले की ओपासिटी 1 हो जाएगी। अब ओवरले के लिए लिखते हैं तो इसकी पोजीशन जो है हम एब्सोल्यूट लिख देंगे, अच्छा पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको टॉप टॉप 0 करेंगे एंड बॉटम भी 0 करेंगे, सॉरी लेफ्ट भी 0 करेंगे। इसके बाद इसकी हाइट विड्थ भी 100% आ जाएगी। तो चलो यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, बार बार कौन लिखेगा, कॉपी कंट्रोल वी, ओके। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर, ओपासिटी एंड ट्रांजिशन इसको देनी है, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा डल हो जाएगा, ठीक है, तो RGB लिखते हैं, RGB 0.540, या ठीक है। अब इसकी ओपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 रहेगी, लेकिन जैसे हम होवर करेंगे तो इसकी ओपेसिटी 1 हो जाएगी। एंड इसको थोड़ी सी स्मूथ इफेक्ट डालने के लिए हम ट्रांजिशन इसमें देंगे, ओपेसिटी ट्रांजिशन ऑल नहीं देंगे, ट्रांजिशन केवल ओपेसिटी को देंगे, ट्रांजिशन। अच्छा ये मुझे ओपेसिटी, ओके 0.2 सेकंड इज एंड आउट, इज इन आउट। अब ओवरली टैक्स, ओवरले टैक्स के लिए लिखेंगे, ओवरले टैक्स मीन्स के जो हमारा कमेंट और लाइक है वो ओवरले टैक्स है हमारा, ठीक है। तो इसको पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, इसके बाद इसको टॉप दे देंगे 50% और लेफ्ट दे देंगे 50%, लेफ्ट 50%। इसके बाद ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट माइनस बच्चा और माइनस बच्चा, एक्स एक्स में भी माइनस बच्चा है, वाई एक्स में भी माइनस बच्चा, मीन्स कि ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे, वाई एक्स में भी सेंटर में रहेंगे और एक्स एक्स में भी सेंटर में रहेंगे, इसका मतलब ये है गाइस। और कलर, कलर इसका दे देंगे हम वाइट, फॉन्ट साइज रखेंगे मीडियम, इसके बाद टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर रहेगा और विड्थ जो है वो 50%। गाइस ये ट्रांसफॉर्म का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं ओवर कर रहा हूँ तो ये देखिए, ये लाइक और कमेंट जो है बिल्कुल बीच में है, एक्स एक्स में भी बिल्कुल बीच में है और वाई एक्स में भी बिल्कुल बीच में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया है, एक्स एक्स में -50% एंड वाई एक्स में -50%, ठीक है। अब ये सारी प्रॉपर्टी जो है हमें अप्लाई करनी है हम हमारे रेग यूज़र पोस्ट कार्ड पे, ठीक है। तो ये हमारा रेग यूज़र पोस्ट कार्ड कहाँ पर है, यहाँ पर है रेग यूज़र पोस्ट कार्ड। सो इसको दे देंगे हम पोस्ट, ओके ये फाइल कहाँ से आ गया, और इसके बाद ये हमारा टैक्स है जिसको हम देंगे ओवरले, ये वाला क्लास नेम ओवरले, और इसको दे देंगे ओवरले टैक्स फाक, अच्छा इसको ओवरले और क्लास नेम
ओवरले टैक्स, ओवरले टैक्स इसको दे देंगे, ठीक है। फ्लेक्स एंड जस्टिफाई लेट मी चेक कैसा दिख रहा है। अच्छा इसको फ्लेक्स करना पड़ेगा, फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, बिटवीन रखो बिटवीन, या अब सही दिख रहा है। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी पेडिंग की ज़रूरत है, तो चलो क्लास नेम P2 दे देते हैं। या पेडिंग भी आ चुकी है, अब बढ़िया दिख रहा है गाइस देखो। लेकिन थोड़ा सा दूर दूर है, तो इसको नज़दीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो हमने विड्थ 50% दी है ना ओवरले टैक्स की, थोड़ी कम कर देते हैं, 40% कर देते हैं। अब बेटर लग रहा है, 30 कर देते हैं चलो। या अब बेटर लग रहा है देखो गाइस, है ना, बढ़िया ऑसम गाइस। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आई थिंक हमारा जो प्रोफाइल पेज है बस इतना ही है, हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है हमारा प्रोफाइल पेज। ओके या गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल पेज बिल्कुल रेडी हो चुका है इसकी तरह ही। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएट करेंगे दिस होम पेज। ओके।